हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बनाते हैं भटूरे। तो देखिए, हमने लिया है 2 कप मैदा। मैदे में बीच में थोड़ा गैप कर लेंगे और उसमें डालेंगे आधी कटोरी दही और थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, आधा चम्मच ये देखिए। और इसमें अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा, ये आधा चम्मच से भी कम है। और आप इसमें इनो फ्रूट साल्ट भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए इसी तरह हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब चलिए इसका डो लगा कर तैयार करते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगा कर तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। और ये नॉर्मल पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छा सा डो लगा कर तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने इसका डो लगा कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाकर इसको चिकना कर देंगे, ये देखिए, ताकि हमारा डो सूखे नहीं और सॉफ्ट रहे। ये देखिए, इससे हमारा डो सूखेगा नहीं, सॉफ्ट रहेगा। और इसे ढककर 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा आटा एकदम तैयार है भटूरे बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसका भटूरा बनाना शुरू करते हैं। लेंगे एक चकला, चकले के नीचे थोड़ा कपड़ा रख लेंगे हम, और इसकी हम लोइया तोड़कर रख लेंगे। आपको जितना बड़ा या छोटा भटूरे बनाना है, उतनी छोटी बड़ी आप लोइया तोड़ सकते हैं। तो पहले हम सारी लोइया तोड़कर रख लेंगे एक साथ। ये देखिए, इसी तरह हम सारी लोइया तोड़कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारी लोइया तोड़कर तैयार कर लिया है। अब चलिए पहले हम हाथों से इसे गोल करके चपटा कर लेते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी पूड़ियाँ हाथों से बनाकर रख लेते हैं, फिर हम दोबारा इसको बेलन से बेलकर तैयार करेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम सारा चलिए करके रख लेते हैं। और हमने लिया है थोड़ा सा सूखा मैदा, ताकि भटूरे बेलने पे अगर हमारा आटा चिपके, पूड़ी चिपके नीचे, तो हम इस पर वो लगा लेंगे सूखा आटा। ये देखिए, इसी तरह हम इसका भटूरा बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर नीचे चिपक रहा है चकले में, तो आप थोड़ा सा इस पर आटा छिड़क लीजिए, ये देखिए, और बहुत आसानी से आप इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ये देखिए, बस आप हल्के हाथों से इसे बेलिए, और ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। ये देखिए, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इतना मोटा हमें इसको रखना है। चलिए इसी तरह हम आपको दूसरा भी बेलकर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बहुत आसानी से हमारा भटूरा बनकर तैयार हो जाता है, ये देखिए। तो चलिए हम इसी तरह सारा बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारा बनाकर तैयार कर लिया है। और चलिए इसको तलते हैं। तो ये देखिए, हमने बगल में रख दिया था तेल गर्म होने के लिए। चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके भटूरे डालेंगे, ये देखिए। अब करछी से हल्का सा प्रेस कर देंगे ऊपर से। देखिए कितना अच्छा हमारा भटूरा फूल कर तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो आप इस ट्रिक से अगर बनाएंगे, तो आपका भटूरा बहुत अच्छे से फूल कर तैयार होगा, ये देखिए। अब इसे हम उलट पुलट के अच्छे से तल लेते हैं, ये देखिए। इसी तरह हम दूसरा भी तलकर तैयार कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत आसानी से आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे भी पलट देते हैं। चलिए इसी तरह हम सारा बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने भटूरा बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए, हमने इसे छोले के साथ सर्व किया है, कितना अच्छा हमारा भटूरा बनकर तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट है। तो गाइस, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।